हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? मैं हूँ वंदना और स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल वंदना भारद्वाज पे। भाई, सर्दियाँ आ गई हैं और सर्दियों में हमें अपनी स्किन की अच्छे से केयर करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि देखिए सर्दियों में हमारी स्किन और भी ड्राई होती जाती है, और जब ड्राई स्किन हो जाती है तो बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स का हमें सामना करना पड़ता है। तो आज मैं आपके साथ एक नाइट क्रीम शेयर करने वाली हूँ, जिसे हम अपने हाथों से घर पे बनाएंगे और बहुत ही फायदेमंद है आपकी स्किन के लिए। आपकी स्किन बिल्कुल भी ड्राई नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें हम विटामिन ई, जिनमें हाई क्वांटिटी में होती है, वही वाली चीजें इस्तेमाल करने वाले हैं। घबराइएगा मत, आपके घर पे इजीली मिलती हैं ये चीजें, और इक्का दुक्का चीज अगर नहीं भी होगी तो आप अपने घर पे सर्दियों के मौसम में होनी ही चाहिए, इसलिए ला करके जरूर रख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और क्रीम बनाने से पहले मैं आपके लिए रेडीमेड सॉल्यूशन भी बता देती हूँ, नहीं तो आप बाद में कमेंट सेक्शन में पूछोगे, इसलिए रेडीमेड सॉल्यूशन भी मैं लेके आई हूँ। तो देखिए, ये मैं दो नाइट क्रीम आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। ये देखिए, ये है गुड वाइब्स की, ये एलोवेरा रिविलाइजिंग नाइट क्रीम है, और ये जो सेकेंड वन है ये गुड वाइब्स की वीट जर्म नरिशिंग नाइट क्रीम है। मतलब जो भी आपको सुटेबल लगे अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो चलिए पहले आपको डेमो दे देते हैं इनका। तो ये देखिए, जो मैं आपको दिखा रही थी गुड वाइब्स की एलोवेरा रिविलाइजिंग नाइट क्रीम, नो पैराबेंस, नो एनिमल टेस्टिंग, मतलब आप अपने स्किन पे इन्हें बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हो, कोई भी नुकसान आपकी स्किन को नहीं होने वाला है। तो ये देखिए, सबसे पहले तो इस तरह के टेक्सचर में है, वॉटरी जैसा टेक्सचर है, और यूज कैसे करनी है तो जितनी आपको चाहिए उतनी सी आप अपनी फिंगर टिप पे ले लीजिए और फिर अच्छी तरह से अप्लाई कर लीजिए अपनी स्किन पे। थोड़ी सी देर के लिए मसाज जरूर कीजिएगा, तभी अच्छी तरह से आपकी स्किन में ये अब्जॉर्ब हो जाएगी। तो इस तरह से सर्कुलर मोशन में आपको हल्के हाथों से मसाज करना है, और फिर जैसे ही आपकी स्किन में ये अब्जॉर्ब हो जाती है तो बस कुछ नहीं करना आपने और छोड़ दीजिए इसे। तो इसे परचेज करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसे चेकआउट कर सकते हो। purple.com पे काफी डिस्काउंट चले होते हैं, तो आपको ये डिस्काउंट मतलब आप चेक कर लेना वहां से रेट वगैरह हर चीज। और दूसरी ये देखिए गुड वाइब्स की वीट जर्म नरिशिंग नाइट क्रीम है। तो अगेन, जैसे मतलब इस पे लिखा गया है वीट जर्म, तो वीट जो है ना हमारी स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद है। किस तरह की है थोड़ा सा आपको डेमो भी दे देते हैं। देख, तो ये देखिए इस तरह की एकदम व्हाइट कलर की है ये, और अगेन जितनी की आपके फेस के लिए जरूरत है उतनी सी आप अपने फिंगर टिप पे ले लीजिए और बस उसी तरह से आपने अच्छी तरह से अप्लाई करनी है। सर्कुलर मोशन में इस तरह से मसाज कीजिए और फिर बस कुछ नहीं करना है, इसी तरह से इसे छोड़ दीजिए। बस जब तक आपके स्किन में ये अच्छे से अब्जॉर्ब ना हो जाए तब तक आपने इसे मसाज करना है। तो बस आप छोड़ दीजिए, ये अपना काम खुद करती रहेगी। और हम कर लेते हैं अब घर पे नाइट क्रीम आप कैसे बनाएं वो बनाने का काम। तो देखिए, नाइट क्रीम बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको जरूरत पड़ेगी, एक बाउल ले लीजिए, कटोरी ले लीजिए, और साथ में ले लीजिए स्पून, जिससे कि हम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसके अलावा आप इस तरह के ही किसी भी कंटेनर में इसे स्टोर कर सकते हो, तो इस तरह का कोई कंटेनर आप ले लीजिए। एंड अब इसके बाद हमें चाहिए, देखिए सबसे पहली जो चीज है वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल हमारी स्किन को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज करता है, डीपली नरिश करता है, और बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो आप अपने अकॉर्डिंग मतलब जो आप इस्तेमाल करते हो, आपके घर में इजीली अवेलेबल है, वो वाली एलोवेरा यहाँ पे ब्रांड इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप फ्रेश एलोवेरा जेल इस्तेमाल करना चाहते हो तो वो भी आप ले सकते हो। तो देखिए, आप जितने मतलब दिनों के लिए बना रहे हो उसी हिसाब से एलोवेरा लीजिएगा। तो मैं देखिए हफ्ते भर के लिए बना रही हूं, तो ये मैं पहले एक स्पून पूरा एलोवेरा जेल का मैंने यहाँ पे ले लिया है। इसके अलावा अगर आपको और चाहिए तो आप ज्यादा अगर बनाना चाहते हो तो उतना आप और भी ले सकते हो। तो लगभग 1.5 चम्मच एलोवेरा जेल मैंने यहाँ पे ले लिया है। और दूसरी जो चीज है वो हमें चाहिए विटामिन ई के कैप्सूल। ये आप जरूर ऐड कीजिएगा, क्योंकि विटामिन ई हमारी स्किन को अंदर से निखारने का भी काम करती है और साथ ही साथ नरिश करती है अंदर से, मतलब अच्छी तरह से आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करती है। और क्योंकि ब्यूटी विटामिन के नाम से ये जानी जाती है, तो बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स का भी सॉल्यूशन है। ये आपकी स्किन को काला नहीं होने देगी, मतलब अंदर से निखारने का काम करेगी। क्योंकि देखिए, बहुत बार ये होता है कि सर्दियों में जब हम मॉइस्चराइजर यूज करते हैं तो वो हमारी स्किन को थोड़ा डार्कर करते जाते हैं, और फिर हम घबराते हैं कि मॉइस्चराइजर क्रीम के यूज ही ना करें। बहुत बार ऐसा होता है,
और फिर यही रीजन होता है कि अगर आप मॉइस्चराइजर यूज नहीं करते हो तो फिर स्किन ड्राई हो जाती है और फिर थोड़े टाइम बाद वो ना काली काली दिखने लगती है। तो मॉइस्चराइजर आपको जरूर से जरूर ऐड करना है, और ये बेस्ट चीज है कि आप रात को अपने फेस को अच्छे से क्लीन कीजिए, उसके बाद नाइट क्रीम यूज कीजिए और फिर बस आपका काम हो जाता है। डेली अगर आप ये काम करोगे तो कभी आपकी स्किन जो है सर्दियों के टाइम पे बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगी। तो देखिए, एक अगर आप चम्मच आपने एलोवेरा जेल का लिया है तो एक ही आपको ये विटामिन ई का कैप्सूल यूज करना है। तो देखिए, इसको फिर हम इस तरह से इसके इस तरह से ये देखिए, ये हम इसके अंदर का ऑयल जितना भी है वो निकाल लेंगे। इसके अलावा अभी हम मिक्स नहीं कर रहे हैं, हमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो चाहिए ग्लिसरीन। ग्लिसरीन हमारी स्किन को हीलिंग का काम करती है, अगर आपकी स्किन पे कोई दाग धब्बा है उसे भी लाइटन करेगी, आपके स्किन के पोर्स को श्रिंक करेगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और सर्दियों के लिए मैं बोल रही हूँ बहुत अच्छी चीज है। तो ग्लिसरीन आपको घर पे रख लेनी चाहिए। देखिए 45 रुपीज में ये पैक आ जाता है और सारी सर्दियों में आपका ये चल जाएगा, आप इसे मतलब डेली इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखिए कितनी सी आपको लेनी है, तो आपको लगभग 5 से 6 बूंदे लेनी है, या फिर अगर आप इस तरह से ले रहे हो तो 1/4 टेबल स्पून आप ये ग्लिसरीन का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा देखिए 3 चीजें हमने यहाँ पे इस्तेमाल कर ली हैं और चौथी चीज हमें जो यूज करनी है वो है देखिए ऑयल। आप यहाँ पे बादाम का तेल इस्तेमाल कर सकते हो, नारियल का तेल इस्तेमाल कर सकते हो, कैस्टर ऑयल इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर सकते हो। चारों के चारों तेल में जो है विटामिन ई काफी हाई क्वांटिटी में होती है और ये आपकी स्किन को अंदर से निखारने का भी काम करती है और डीपली नरिश भी करती है। तो जो भी आपके पास इजिली अवेलेबल हो वो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। मैं ले रही हूँ कैस्टर ऑयल, कोई से भी ब्रांड का आप ये ऑयल ले सकते हो। और देखिए इसे भी आपको कितना लेना है, तो देखिए 1 अगर आपने टेबल स्पून एलोवेरा जेल का लिया है तो 1/2 टीस्पून ही आपको ये ऑयल ले लेना है, क्योंकि देखिए ऑयलिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है इस टाइम पे, सर्दियों के टाइम पे, तभी आपकी स्किन बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगी। बस अब आपको और कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, बस 4 चीजों का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। अब अच्छी तरह से चारों चीजों को कर लीजिए मिक्स 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 और बस देखिए आपकी क्रीम जो है बन के रेडी है। ये देखिए मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरह की, जैसे मैंने आपको ये नाइट क्रीम एलोवेरा की दिखाई है ना, बिल्कुल सेम उसी कलर की, ये देखिए ये बन के रेडी हुई है। और अब आप इसे स्टोर कर सकते हो किसी भी कंटेनर में और आप अपने अकॉर्डिंग इसे बना करके स्टोर कर सकते हो, जैसे हफ्ते के लिए, महीने के लिए, जितना भी आपका कंटेनर है उसी हिसाब से आप इसे बना सकते हो। क्वांटिटी मैंने आपको बता दी और बस अब आपको कुछ नहीं करना, पहले अपने फेस को अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है। क्लीन करने के बाद ही आपको कोई भी चीज अपने फेस पे इस्तेमाल करनी है। और फिर देखिए इसी तरह से जैसे मैंने आपको पहले डेमो बताया, तो चाहे इसे रेडीमेड है या आपकी हैंडमेड है, कोई भी चीज है, आपको इसी तरह से अप्लाई करनी है, अच्छी तरह से करना है मसाज, जब तक कि आपकी स्किन में अच्छे से अब्जॉर्ब ना हो जाए। मसाज करने के बाद बस आप कुछ मत कीजिए, अब इसे छोड़ दीजिए और ये अपना काम करती रहेगी। डेली जब आप इसे इस्तेमाल करोगे तो आपको खुद ब खुद अपनी स्किन में डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। और देखिए सर्दियों में अच्छे से केयर करना बहुत जरूरी है, तो डेली नाइट क्रीम लगा करके ही आपको सोना है, तभी आप अपनी स्किन की अच्छे से देखभाल कर सकते हो, बिल्कुल भी आपकी स्किन खराब नहीं होगी, ड्राई नहीं होगी, काली भी नहीं पड़ेगी। तो बस फिर आज की वीडियो की करी हूँ यहीं पे एंडिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।